चैनल आई एम दुबई एंड टुडे आई एम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग। कि मैं एंड सब कोई अभी विदाउट नेटवर्क हैं, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। कल शाम से नेटवर्क बंद है। हम लोग सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे विदाउट नेट। नेट का ज़माना है एंड नेट के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। आप मोबाइल चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, आप बाहर जाते हो तो पेमेंट करते हो, बहुत कुछ, मतलब 24 घंटे में ना आपको नेट का काम पड़ता ही पड़ता है। शाम से नेटवर्क बंद है दरभंगा बिहार का। तो अभी हो गई है मॉर्निंग एंड मैं हो गई हूँ फ्रेश, मतलब कि नेट नहीं है तो कुछ काम तो करना पड़ेगा एंड किस तरीके से सर्वाइव करेंगे ये सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। ओके, तो मैं हो गई हूँ फ्रेश, तो चलिए अब ब्रेकफास्ट करते हैं। चांदनी जाओ लूडो लेकर आओ। मैं यहाँ पर पढ़ने लगी हूँ नमाज। जोहर का अजान हुआ है अभी, तो फटाफट से नमाज पढ़ते हैं और आज जुमा भी है, तो चलिए मैं आपसे नमाज पढ़ के मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, मैंने नमाज पढ़ ली है। नेट तो नहीं है अभी तक, नहीं है। मैं आपको अभी अपने फ़ोन में दिखाऊंगी, कुछ नहीं चल रहा है, नो नेट कल शाम से। मतलब मुझे है ना बहुत ज़माने बाद ऐसा सीन हुआ होगा मेरे साथ। ओके फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि नेट की क्या सिचुएशन है। ये देखिए, मैं खोलती हूँ, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि वाईफाई ऑन है। मैंने इसको ऑन छोड़ रखा है कि जब नेट आएगा ना तब फटाक से सारे नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ इंस्टाग्राम। ये देखिए, इंस्टाग्राम का ये हाल है, इतना गुस्सा आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद चलिए इंस्टाग्राम से बैक जाते हैं, खोलते हैं यूट्यूब। ये देखिए, यूट्यूब का ये हाल है, देख सकते हैं कुछ नहीं चल रहा है एंड ये कल शाम से है ये सब कुछ। उसके बाद बैग जाते हैं, जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें हैं ना मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाइए मैं खोलती हूँ Z5, देख सकते हैं। उसके बाद मैं खोलती हूँ, मैंने बिग बॉस देखने के लिए इसे डाउनलोड किया था एंड एक दिन में मैंने बिग बॉस इस पर नहीं देखा एंड ये देखिए, ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये अभी सिचुएशन है एंड बहुत ही बुरी सिचुएशन है। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा हम लोग करें तो करें क्या। तो हमने चला लिया टीवी, पीछे चल रहा है टीवी एंड इसमें आप देख सकते हैं कि एक मूवी चल रही है। तो मूवी चल रही है मुझसे दोस्ती करोगी, हम लोग ये वाली मूवी देखेंगे फुल बैठ कर, क्योंकि और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो मूवी देखेंगे, मैगी बनाएंगे, चिल आउट करेंगे। इस इतनी खुशी से ज़्यादा, इससे ज़्यादा खुशी मैं जाहिर नहीं कर सकती हूँ। और यूट्यूब नेट की वजह से बोला दोबारा चला गया और वहाँ जाके उसने नेट भर लिया। अब वो फटाफट नेट चला रहा है और हम लोग यहाँ, हम लोगों की हवा निकल रही है। ओके, तो चलिए मूवी देखते हैं। कैसे हैं आप सब? मैं पता नहीं कब कहाँ कैसे व्लॉग सुबह स्टार्ट कर देती हूँ एंड मैंने फिर से इस व्लॉग को स्टार्ट कर लिया है। मैंने इस व्लॉग को एंड किया था 28 जुलाई को, 27 से नेटवर्क बंद था एंड वहाँ दरभंगा में 30 तक नेटवर्क बंद ही था एंड हम लोग 29 को आ गए थे गांव एंड आज है 3 अगस्त, तो हम लोग फिर से जा रहे हैं घर। अभी हो गया है आफ्टरनून एंड मैंने कर रखा है छुट्टियां। वैसे मैं करती नहीं हूँ लेकिन मैंने कर रखा है, तो फटाफट से रेडी होते हैं एंड देन निकलते हैं घर के लिए। यहाँ पर सबसे मेन चीज़, सारे चार्जर्स रख लिए हैं, चलो इसको भी फटाक से पैक कर। लड़का सिर्फ बाल में मेहंदी लगाया और नहाया नहीं, आंटी क्या बोलना चाहिएगा आप इसकी पराजित पना पे नहाए तो नहीं ना मस्त ही हवा चली है। यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है सेकेंड प्लेटफॉर्म का, जो कि माल ट्रेन के उस तरफ है एंड उसका वो नहीं बना हुआ है, ब्रिज नहीं बना हुआ है अभी, तो इस पे चल चल के आना पड़ता है एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। पहुंच गए हम लोग स्टेशन। मेरा तो ऑल ब्लैक, मेरा छोला ब्लैक, टीशर्ट ब्लैक, ये ब्लू है, ये पीछे का ब्लैक है नीचे। चलिए अब घर पहुंच के मिलते हैं।
पहुंच गए थे घर एंड उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई थी मैं एंड नाउ अभी बज रहा है 9। तो अभी ना भाग्यलक्ष्मी देख कर आई हूँ मैं एंड मेरा ना ऐसे इंडियन सीरियल्स पे जो है ना भरोसा उठते ही जा रहा है। इतना बेकार कर दिया है ये लोग, इतना लेंदी कर देते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा एकदम सस्पेंस डाल देते हैं। इंड ही नहीं होता है इस सस्पेंस का, ऐसा बना दिया है। खैर तो अभी हो गया है डिनर का टाइम एंड डिनर में बन रहा है बिरयानी, तो बिरयानी खाएंगे एंड उसके बाद चिल करेंगे, देन देखते हैं और सब क्या करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हो गया है नेक्स्ट डे एंड अभी बज रहे हैं 1:00 PM। हम लोग निकलने लग गए हैं बाहर क्योंकि यूसुफ जा रहा है, आज उसकी ट्रेन है अलीगढ़ की, तो चलिए उसे स्टेशन छोड़ेंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ जाएंगे आप लोगों को साथ ले चलेंगे। आज है फ्राइडे तो चलिए चलते हैं। था लेकिन हम लोगों ने दौड़ दौड़ के ट्रेन पकड़ ली है एंड यूसुफ की ट्रेन खुल गई है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग करेंगे दिन घर जाएंगे। हालत एकदम ख़राब हो गई है, पसीना देख रहे हैं आप लोग। घर पे तो मुझसे न्यूज़ देखा नहीं जाता है एंड यहाँ टीवी पे न्यूज़ चल रही है तो मैं न्यूज़ देख रही हूँ। क्या हो गया मुझे ग्रीन एप्पल 370 रुपीज़ के जी हट नहीं खाना मेरे। आ गए हम लोग स्मार्ट बाज़ार क्योंकि हमें करनी है शॉपिंग, सो या वो सब करेंगे। पीछे में मम्मी सर्फ देख रही है एंड अप्पी मम्मी को बता रही है कितने कितने का है। आंटी गई फिर से कंफर्ट उठाने, क्या बात है। दोनों आपको अपने कपड़े को बहुत महकाना है लग रहा है, बहुत महकता था पहले क्या आपका कपड़ा। हाँ, आज मम्मी आई है शॉपिंग करने के लिए। हाँ हार्पिक नहीं है, पेस्ट भी नहीं है। मेरी आंखें खराब हो गई लग रही है, मेरे प्राइस ही नहीं नजर आ रहा है किधर। ये क्या है? एक जगह पे है भी तो कटा हुआ है, ऐसा क्यों? पूछ लो ना। आलू दा ना उसको देख। तुम काम क्यों नहीं कर लेती हो यार? देख के तो मुझे कलर करने का मन कर गया। फाइनली मैंने अपने खाने पीने का इंतजाम कर लिया। नाउ अब हम लोग वाटिका में आ चुके हैं स्मार्ट बाजार से निकल कर एंड मैंने साथ ही में पानी भी ले लिया है क्योंकि मुझे लग रही है प्यास, तो मैं पीऊंगी पानी। और क्या गर्मी कहाँ से लग रही है? गर्मी तो अभी नहीं लग रही है, चलने से गर्मी लगती है। ये गर्मी में गर्मी लगती है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है। कहाँ है प्रकाश जी? मम्मी ये कलर भी अच्छा है, वो कलर भी अच्छा है, जो लेना है आप लोग को ले लीजिए। अब मैं नीचे जा रही हूँ, आंटी को लाइनिंग का कपड़ा लेना है तो वो नीचे जमा है, उनका दुपट्टा वो लेने के लिए जा रही हूँ। ले लिया मैंने। मुझे क्या मिला? ये है RPS का स्कूल ड्रेस। RPS का ही है ना पी? हाँ ये रोज़ पब्लिक स्कूल, ये मेरा स्कूल है। ये बच्चों के कपड़े लग रहे हैं, एकदम छोटे छोटे से हैं। बहुत बोरियत है आजकल, ऐसे मन कर रहा है कि दोबारा से स्कूल चली जाऊँ, नर्सरी में एडमिशन करा लूँ एंड दोबारा से 12th तक पढ़ूँ। इतनी भी बड़ी हो जाऊँ गोदी में बैठाना नहीं छोड़ेगी ये लोग। गोदी में बैठी कैसा फील हो रहा है गोदी में बैठा के? बहुत भारी।
अभी आ गए हैं हम लोग पर्दा वाली शॉप में, एंड यहाँ आके ना मेरी ताकत जवाब दे चुकी है। सुबह के 12 बजे के निकले निकले अभी बज रहे हैं शाम का 5, एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब कुछ खाएंगे शायद एंड देन निकलेंगे घर के लिए। ओके फ्रेंड्स, मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे कर देती हूँ एंड अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड आप लोगों को मज़ा आया होगा तो आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कर देने हैं अच्छे अच्छे से कमेंट्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।